हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एमके सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, हम आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं जो कुछ नॉलेजेबल मेडिसिन के बारे में चर्चा करें, अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करें और आपस में एक दूसरे को नॉलेजेबल वीडियो मिले जिससे हर कोई को जानना संभव हो जाए कि किसका क्या रोल है, कहां कब हमको कौन दवा के काम आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस नॉलेजेबल वीडियो को कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। मेडिसिन टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो दवा माने जितना भी कहें कम है, गुण ही गुण उस दवा में है। दोस्तों, शायद उस दवा को आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी कॉमन दवा है वह। दोस्तों, मेडिसिन का नाम है अर्निका, अर्निका मोंटाना 36 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 mg, 10 mg, इस टाइप से अर्निका मेडिसिन आती। अब दोस्तों, अर्निका मेडिसिन इज वेरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन, सो प्लीज अटेक द वीडियो। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और दोस्तों समझे। तो अर्निका, जैसे सपोज किया जाए कोई भी व्यक्ति जा रहा है कहीं, कहीं गिर गया हो, चोट आ गया हो, काफ़ी चोट आ गया हो, काफ़ी इंजर्ड हो गया होगा, तो उस कंडीशन में अर्निका का रोल आता है। दोस्तों, मान लीजिए बच्चा कोई है घर में, या घर में रखने योग्य मेडिसिन है। दोस्तों, कोई बच्चा गिर जा रहा है, छोटा बच्चा है, तुरंत गिर गया, तुरंत नीला पड़ गया, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को भी आप इस दवा को, काफ़ी अच्छा रोल है, वहाँ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, पिला सकते हैं। अब छोटे बच्चे अंडर 5 ईयर्स, उनको हम हर वीडियो में बताते हैं वन ड्रॉप्स देना है। उससे भी छोटे बच्चे हैं तो उसमें एक टीस्पूनफुल वाटर में एक छोटा सा चम्मच पानी में एक ड्रॉप डाल के भी पिला सकते हैं। तो ये दोस्तों इंजूरी के हम बात कर रहे हैं। अब क्या है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं, वहाँ भी अर्निका का रोल है। क्योंकि अर्निका वहाँ क्या है, जैसे काफ़ी चोट आ गया है, काफ़ी, खैर और भी मेडिसिन है लेकिन आज अभी हम अर्निका के ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हाइयर पोटेंसी में, अब वो एक्सीडेंट पर डिपेंड करता है किस टाइप का एक्सीडेंट है, किस टाइप का चोटें आई है बॉडी में, तो उसके हिसाब से एज पर नीड्स उसमें अर्निका का प्रयोग होगा, लेकिन सुधार होगा। और भी सर अर्निका का क्या रोल है, जो मान लीजिए नर्व्स में भी प्रॉब्लम है तो वहाँ भी अर्निका का बहुत अच्छा रोल होता है। नर्व्स डैमेज कर रहा हो, नर्व्स में ब्लड क्लोट कर गया हो, तो क्लोटिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इज अर्निका मोंटाना। सो अर्निका का वहाँ भी यूज है। दोस्तों, एक और इस मेडिसिन का गुण है, जो सडनली हम चल रहे हैं, जा रहे हैं और अचानक से टॉयलेट पास कर गया, स्टूल पास कर गया, तो वहाँ भी इस दवा का काफ़ी अच्छा रोल है, वहाँ भी आप इस दवा का प्रयोग करें और उससे बच सकते हैं। और सपोज किया जाए कुछ काम कर लिए या कहीं जर्नी करके आ रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं, हार गए हैं, पूरा देह लग रहा है, चूर है, तो वहाँ 2 ड्रॉप्स अर्निका ले ले, 1 डोज, काफ़ी रिलैक्स महसूस हो जाएगा। तो इस टाइप से मन इसको ध्यान रखे, चोट के लिए, दर्द के लिए काफ़ी अच्छा रोल। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा कालापन आ जाए चोट लगने के बाद, जैसे कान में भी चोट लग गया हो, वहाँ से ब्लड पास कर रहा है तो वहाँ भी अर्निका से आराम हो जाएगा। इसी प्रकार से कहीं भी इंजूरी, यह ध्यान में रखना है, इंजूरी से संबंधित कोई भी समस्याएँ हो तो हम वहाँ अर्निका का उपयोग कर सकते हैं। अब रह गया सीरियसली इंजूरी हुआ है, वहाँ अर्निका भी हम दे दिए, वहाँ यदि कालापन आ गया है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर रहा है तो वहाँ आरटी भी दे सकते हैं, रस्टक्स उसको हम कहते हैं,
तो वो भी साथ में इंक्लूड कर ले, 10-10 मिनट के अंतर में, 15 मिनट के अंतर में, 20 मिनट के अंतर में, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से एज पर नीड्स आप उसको सेवन कर सकते हैं। यह वीडियो दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद सीरियसली कुछ भी हो तो आप अपने लोकल डॉक्टर से, जो भी आपके अगल बगल में जो भी सिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ उन डॉक्टर साहब के गाइडलाइन में आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यदि आवश्यकता हुआ तो हमसे आप ऑनलाइन ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें दोस्तों। थैंक्स और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक से या सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरा हौसला बढ़ते रहे, फिर आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज हम लाते रहेंगे। थैंक यू।